हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और उसी आदर्श जोशी, और मैं फिर से आ चुका हूं एक अमेजिंग केस लॉ लेकर। दोस्तों, आज मैं डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड की बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, ये जो कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी है, ये इंग्लैंड में बनी हुई एक कंपनी है, मतलब इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन इंग्लैंड। बट इसके जो सारे शेयर होल्डर्स, ऑलमोस्ट सारे शेयर होल्डर्स जो है, जो मेंबर्स है, जो कंट्रोल में है कंपनी के, ये सारे जर्मन थे। सारे लोग जर्मनी से थे, जर्मन थे, ठीक है। हालांकि कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई है इंग्लैंड में, लेकिन इसके सारे जो मेंबर्स है, जो वो जो कंट्रोल करते हैं पूरा स्टेक इन द कंपनी, ये सब लोग जर्मनी के थे। अब क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी ने डेमलर कंपनी लिमिटेड को कुछ टायर सप्लाई किए। अब डेमलर कंपनी लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेट इन इंग्लैंड, हैविंग ऑल द मेंबर्स फ्रॉम इंग्लैंड ओनली। अब ड्यूरिंग द वॉर, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आपको तो पता ही है, पूरे वॉर के वक्त मतलब इंग्लैंड और जर्मनी यहां पर थोड़ा मतलब इनका प्रॉब्लम था, दे वर एनिमीज। तो डेमलर कंपनी को लगा कि अगर इस टायर डिलीवरी के बदले उसने अगर कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी को पेमेंट किया, सो इट विल बी एज गुड एज पेइंग एन एनिमी, बिकॉज ऑल द मतलब बोलते ना कि ऑल द मेंबर्स एंड होल्डर्स आर फ्रॉम जर्मनी। तो मैं अपने दुश्मनों को पैसे दूं, वो लोग उससे हथियार खरीदे और मेरे ऊपर हमला कर दे। तो डेमलर कंपनी ने पेमेंट नहीं किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी ने केस किया, बट केस में इट वाज डिसाइडेड दैट डेमलर कंपनी इज करेक्ट, बिकॉज बिकॉज कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी विल बी नोन एज एनिमी कंपनी, बिकॉज मेजोरिटी स्टेक या जो बोलते हैं ना कि जो कंट्रोल है, जो जो कंट्रोल है वो सारा एनिमीज के हाथ में है। तो अगर कोई भी कंपनी है जिसमें एनिमी आपके बोलते ना कि वो कंट्रोल में है, या जो कंपनी आपके नेशन के एनिमीज के सपोर्ट में या उनके इन्फ्लुएंस के अंदर काम करती है, ऐसे कंपनीज की को आप एनिमी कैरेक्टर दे सकते हैं। और ये पहला, सबसे पहला और सबसे मेन पॉइंट है जहां पर कॉर्पोरेट विल लिफ्ट की जा सकती है। तो ये एक पॉइंट है जहां पर कॉर्पोरेट विल लिफ्ट की जा सकती है। तो मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं, दैट अगर इफ द पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट लाइकली टू बी इन जियोपर्डी, द कोर्ट मे नॉट बी विलिंग टू क्रैक द कॉर्पोरेट शेल, बट इट मे रेंट द विल फॉर असर्टनिंग वेदर अ कंपनी इज एन एनिमी कंपनी। इट इज ट्रू, अनलाइक अ नेचुरल पर्सन, अ कंपनी डज नॉट हैव अ माइंड और अ कॉन्सेंस कॉन्शियंस, देयरफॉर इट कैन नॉट बी अ फ्रेंड और अ एनिमी। फोर, इट मे हाउएवर बी कैरेक्टराइज एज एन एनिमी कंपनी इफ इट्स अफेयर्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द पीपल ऑफ द एनिमी कंट्री, जैसे इस केस में हुआ। फॉर दिस पर्पज द कोर्ट में एग्जामाइन द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन हु आर रियली एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो क्योंकि कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी के सारे लोग जर्मनी से थे और वो दुश्मन कंट्री से थे, यहां पर कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी को एनिमी कहा गया। और ये कैसे कहा गया, बाय लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट विल, एंड हेंस उसको पेमेंट करने से मना कर दिया गया। मतलब डेमलर कंपनी विल नॉट हैव टू मेक पेमेंट टू कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर। आई होप आपको ये केस अच्छा मिला लगा होगा। आइए चलेंगे और अगली वीडियो में जानेंगे हम अगले केस लॉ के बारे में। तब तक गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।